ऐसी दीवानगी। आज ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा कांटा था, जो इतने दिनों से चुभ रहा था, वो निकल गया। तो आपका बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है जी, लेकिन क्या जानते हैं आप हमारे बारे में? क्या आपको और आपके बेटे को पता है तेजस्विनी किसकी बेटी है? तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था? एक गुंडे तरिंदे हार्टलेस आदमी ने अपने पैसे और रुतबे का इस्तेमाल करके सरेआम बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि उसकी एक एक खुशी, हर एक हंसी को छीन लेना चाहती हूँ। अगले महीने की 7 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस तारीख को ये शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अब तुम बहुत जल्द प्रेजस्विनी बनने जा रही हो, मेरी प्रेजस्विनी, प्रेम की तेजस्विनी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती प्रेम। देखो प्रेम, इस रिश्ते में एक तुम हो, एक मैं हूँ और एक हम है, और तुम अपने फैसले मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। नहीं, इस रिश्ते में ना तुम हो और ना ही मैं हूँ, इस रिश्ते में सिर्फ हम हैं। टीमी क्या पागलपन है, मेरी एक बार बात तो। अरे तुम मेरी बात सुनो तेजस्विनी, तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने प्यार क्यों किया? आमंत्रण पत्रिका तो पसंद कर ली, लेकिन अभी मेहमानों की लिस्ट बनाना भी बाकी है। ओ सरला गौरी, कंकोत्री है छपा से और मेहमानों का लिस्ट भी बनेगा, शांति रखो, टेंशन मत लो। बड़ी माँ, मेरे लायक कुछ काम होगा तो मुझे बताइएगा। अरे हाँ बेटा, इसमें भी कोई पूछने की बात है? मैं अर्जुन, काकी का काम तो तू कर लेगा, लेकिन जो काम के लिए आया है वो बता अभी। बड़े पापा, एक्चुअली मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता। बिजनेस? लेकिन बेटा, हम सब लोगों का जो कुछ भी है वो तुम बच्चों का ही है ना, फिर ये बिजनेस के झमेले में क्यों पड़ना चाहते हो? बड़े पापा, मैं जानता हूँ कि आपके होते हुए हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, पर मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। वाह, खुद का कुछ करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ प्लान है कुछ खुद का करने के लिए? हाँ बड़े पापा, मुंबई और दिल्ली में जैसे जिम्स है वैसे राजपीपला में नहीं, तो मैं एक जिम खोलना चाहता हूँ, बस थोड़े पैसे कम पड़े। आइडिया तो अच्छा है, जिम, सारी बात है, सरस। कितने पैसे की जरूरत है? बड़े पापा 15 लाख। 15 लाख मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 15 लाख मेरा दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है, हम लोग पार्टनरशिप में जिम खोल रहे हैं। काम कर बेटा, कहाँ खोलना चाहता है जिम, कब खोलना चाहता है, ये सब जो वो बोलते हैं ना प्रपोजल बना के मुझे दिखा। जी बड़े पापा। हेलो हेलो तेजस्विनी, कहाँ हो तुम? तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं कब से तुम्हें मैसेज किए जा रहा हूँ? प्रेम, अभी तुम्हारे सवालों का जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुमसे बातें बात करती हूँ। देखो मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं सच में तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही हो? प्रेम, अब तो मुझे आदत होगी तुम्हारे ऐसे बर्ताव की, मैं समझ चुकी हूँ कि मैं तुम किसी की परेशानी नहीं समझ सकते। प्रेम फोन रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तेजस्विनी मेरी बात सुनो। हेलो, बहुत हुआ तेरा और तेरी माँ का नाटक, अब अगर हमें 2 दिन के अंदर हमारे पैसे वापस ना मिले वो भी ब्याज समेत, तो वो दिन याद है ना? अब से हमारा घर मत छीनिए। देखिए मैं मानती हूँ कि 10 लाख रकम कम नहीं होती है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा सूद समेत वापस कर दूंगी, प्लीज। तेजस्विनी तुम इतनी बड़ी परेशानी में थी और मुझे बताया तक नहीं। हेलो, तुम दिखते हैं क्या हम दोनों तुझे? पागल समझती हमको? अरे धर्म सिंह राठौड़ के घर की होने वाली बहू के लिए 10 लाख भला क्या बड़ी रकम है? या ऐसा करो ना, अपने होने वाले पति से लेकर दे दो हमें। दिमाग खराब है आपका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उधार मेरे और मेरे परिवार का, तो वो क्यों चुकाएंगे? मैंने मेरी शादी पोस्टपोन कर दी, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आपकी पाई पाई नहीं चुका दूं। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी, प्लीज। हमें तो मतलब हमारे पैसों से है, अब वो चाहे तू दे, तेरी माँ दे, या तेरा होने वाला पति दे। इतने साल बीत गए माँ, मेरे पापा को इंसाफ ना कानून ने दिया ना तुमने।
ईमानदार पुलिस ऑफिसर का परिवार दर दर भटकता रहा, और वो गुंडा, वो धर्म सिंह राठौड़ का परिवार खुशियों के आंगन में पलता फूलता रहा। तेरे राज में माँ, राम रोया, रावण रावण हंसा माँ, तेरा अधूरा छोड़ा हुआ काम मैं पूरा करूंगी। मैं सजा दूंगी धर्म सिंह राठौड़ को। तू बोल मैं क्या करूं कि तुझे विश्वास हो जाए कि मैं प्यार का झूठा नाटक नहीं कर रहा। सॉरी, माफ कर दे। कल रात आपका फीवर बहुत बढ़ गया था, पूरी रात प्रेम ने आपके माथे पर गीली पट्टी रखी, तब जाकर आपका बुखार उतरा। कैसा लगा? अच्छा है। आओ। चले ना भाभी, अक्षय कुमार की नई मूवी रिलीज हुई है, जाके देख के आने, मजा आएगा। रियल तू भी ना, तू और तेरा बॉलीवुड, सच में मस्त है ना। पहले तनेजा जी के पैसे दे देते, किचन का थोड़ा बहुत काम कर लेते, फिर तेरी सारी बातें सुन ले, ठीक है? पक्का मूवी देखने चलेंगी ना? सोचूंगी। हबी, क्या मेरा इतना हक बनता है कि मैं तुमसे एक सवाल कर सकूं? अरे तेजस्वी, एक नहीं 100 सवाल पूछो। इतनी बड़ी रकम तुम लाए कहां से, वो भी इतने कम वक्त में? क्या तुमने कोई गलत काम किया है प्रेम? तेजस्वी, तुम जरा सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? मुझे सच जानना है, अभी और इसी वक्त। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती लेकिन पूरब और दिशा को मिलाने के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, और ये करके तुम नहीं जानती कि तुमने कितने लोगों को खुश किया। आप खुश नहीं? एक बात पूछूं? या तो सही सही जवाब देना या फिर कुछ मत कहना। जब कल तक हर हालात हर सबूत मेरे खिलाफ थे, फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ? या तो माँ के कन्हैया ने सच्ची में कोई चमत्कार किया या फिर कोई छल? कभी कभी जब सीधे तरीके से कामना निकले तो हमें इसका मतलब तुमने चल कर रास्ता दिया। चोर है तीनों, धर्मियाती माता नहीं गहने चोरी करते हुए, शक्ल से चोर दिख रहे तीनों। लेकिन शक है ही क्यों, हम कोई चोर नहीं है, हम देवसु के सेठ जी के बेटे हैं। दिखा दो ना, क्या है तुम्हारे पास? ए, तलाशी ले रहे इनकी। सर, ये रहे गहने चोरी के। शौर्य खन्ना मर चुका है और तुम लोग यहाँ पर उसका भूत ढूंढने आए हो क्या? शौर्य जिंदा है और वो यहीं पे है। बताओ कहाँ पे है वो? ये लोग जेल गए थे ना, ये उसका ही बदला है, इसलिए उन्होंने शौर्य को किडनैप कर लिया है। बहुत बड़ा गेम खेला इंडिया के टॉप लॉयर ने हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आई थिंक आपको महक को अरेस्ट कर लेना चाहिए।
और मिस्टर खुराना से पूछताछ करनी चाहती फॉल्स केस बनाने के लिए। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही हूँ दी। अमीन अगर मेरी मानो ना तो कुदरत का इशारा समझो इसे। शलिन के साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ मॉम, पर अगर पिता मुझे नहीं मिल सकती तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मॉम, पर मैं किसी और से शादी करके उसकी और अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। इन्होंने आज जानवी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। बट जानवी यू आर वेरी लकी, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बचा ही लेता है। बेटा हमारे बच्चों की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है।